बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर दिल्ली पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। नागर उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद रितेश पांडे भी बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर ने राष्ट्रीय लोक दल में शामिल होने पर कहा, साल 2006 से मैं बसपा में हूँ। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है क्योंकि 18 साल तक बसपा में कोई और नहीं टिका। बसपा में एक डेढ़ योजना में लोग या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। 2022 में मैंने विधायक चुनाव नहीं लड़ा, 2024 में सांसद चुनाव भी नहीं लड़ा। घर में बैठकर देश के लिए काम न करें ये ठीक नहीं था। साथ ही और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े हैं, देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आज इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं, 4 लाख 2 लाख 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं। तो सारे लोगों से चर्चा करके, सलाह मशवरा करके, जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके, जहां हमारा तालमेल बैठेगा, जल्दी आपको सूचना दे देंगे।